हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास नाइन्थ के साइंस लेक्चर्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन के क्वेश्चन नंबर टू। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास साइंस चैप्टर पेज नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो के नए अपडेट देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना टाइम ना गवाते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन यही है कि गर्म खाने की स्मेल आपको सेवरल मीटर्स में कैसे पहुंच जाती है और ठंडे जो आपका भोजन ठंडा हो जाता है उसकी क्यों नहीं पहुंचती। अब आपको पता है गर्म खाना है मतलब उसमें एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा ही होगा। अब आप लोग देखते हैं डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर जो होता है वो कोल्ड होता है, उसकी स्मेल मतलब आपके पास नजदीक जैसे होती है। अगर वो कुछ ज्यादा दिन रह जाता है तब उसकी आपको बहुत सेवरल मीटर्स तक पहुंच जाती है, लेकिन डस्टबिन की जो स्मेल होती है आप कभी देखना कि वो थोड़े से मीटर तक होती है, क्योंकि वो पूरा कोल्ड होता है। अब आप चाय पियेंगे तो चाय की स्मेल आपको बहुत ज्यादा आएगी, सेवरल मीटर्स तक आएगी। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज सेवरल, यहाँ पे सेवरल होगा, सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल ऑफ ए हॉट फूड। जो पार्टिकल आपके हॉट फूड की है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी कोल्ड फूड से, तो इट मीन्स उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा कोल्ड फूड से, तभी हम कहते हैं कि जो हॉट फूड की आपकी स्मेल है वो ज्यादा दूर तक आपको आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।